गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास सेवेंथ। आई एम योर मॉरल साइंस टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको साइंस की लेसन 5 रिच और पुअर की स्टोरी सुनाई थी। आज मैं आपको उसका वर्क करवाऊंगी। सबसे पहले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 है, वन डे आ वेल्दी मैन टुक हिज सन ऑन अ डैश डैश में भरेंगे ट्रिप, यानी कि एक धनी व्यक्ति एक दिन अपने बेटे को ट्रिप पर ले गया, यात्रा पर ले गया। नंबर 2 है, आई सा दैट वी हैव वन डॉग एंड दे हैव 4 डैश में भरेंगे 4। मैंने देखा कि हमारे पास एक डॉग है, उनके पास 4 डॉग है। नंबर 3 है, द बॉयज डैश डैश में भरेंगे फादर वाज स्पीचलेस, यानी कि लड़के का पिता स्पीचलेस हो गया था। नंबर 4 है, वी हैव इम्पोर्टेड डैश लैंटर्न्स इन ओवर डैश डैश में भरेंगे गार्डन, मतलब कि हमारे पास हमारे गार्डन में विदेशी लैंप लगे हैं। नंबर 5 है, वी हैव डैश डैश में भरेंगे वॉल्स अराउंड ओवर प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट अस, हमारे पास अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए वॉल्स यानी दीवारें हैं चारों तरफ। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। नंबर 1 है, वी हैव सर्वेंट्स, इसका मैचिंग है हु सर्व्स अस बट दे सर्व अदर्स। नंबर 2 है, बी वाई ओवर फूड, इसका मैचिंग है बट दे ग्रो देयर्स। नंबर 3 है, ओवर पेटियो रीचेस टू द ग्रेट द फ्रंट यार्ड, इसका मैचिंग है एंड दे हैव द होल हॉरिजन। नंबर 4 है, वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स इन आवर गार्डन, इसका मैचिंग है एंड दे हैव द स्टार्स एट नाइट। नंबर 5 है, वी हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड टू लिव ऑन, इसका मैचिंग है एंड दे हैव फील्ड्स डेट गो बियॉन्ड अवर साइट। नेक्स्ट है, राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 1 है, नो वन इज बॉर्न विद आइडियाज नॉलेज और वैल्यूज, ये ट्रू है, इसके आगे हम टी लिखेंगे। नंबर 2 है, द सोल पर्पस ऑफ शोइंग हिम हाउ पुअर पीपल लिव, ये ट्रू है, इसके आगे हम टी लिखेंगे। नंबर 3 है, दे स्पेंट अ कपल ऑफ डेज एंड नाइट ऑन द फार्म, ये ट्रू है, इसके आगे भी हम टी लिखेंगे। नंबर 4 है, वी डू नॉट एक्वायर देम एज वी ग्रो, ये फॉल्स है, इसके आगे हम एफ लिखेंगे। नंबर 5 है, आवर एल्डर्स ट्राई टू इम्पार्ट ऑल देयर नॉलेज, ये ट्रू है, इसके आगे हम टी लिखेंगे। नेक्स्ट है, यू कैन बिकम द काइंड पर्सन यू वुड लाइक टू बिकम, यू वुड चूज टू बी इन दीज राइट योर आंसर। नंबर 1 है, एज अ वर्ड आई वुड लाइक टू बी आ, इसका मीनिंग है कि यदि आप वर्ड बनेंगे तो आप कौन सी वर्ड बनना चाहेंगे, आंसर है डब। नंबर 2 है, एज अ प्लैनेट आई वुड लाइक टू बी, यदि आप कोई प्लैनेट बनेंगे तो आप कौन सा प्लैनेट बनना चाहेंगे, इसका आंसर है अर्थ। नंबर 3 है, एज एन एनिमल आई वुड लाइक टू बी आ, यदि आप एनिमल बनेंगे तो आप कौन से एनिमल बनना चाहेंगे, काओ। नंबर 4 है, एज अ फ्लावर आई वुड लाइक टू बी आ, यदि आप फ्लावर बनेंगे तो आप क्या बनना चाहेंगे, लोटस। नंबर 5 है, एज अ फिक्शनल कैरेक्टर आई वुड लाइक टू बी, यदि आप एक फिक्शनल कैरेक्टर बनना चाहते हैं तो आप क्या बनेंगे, अलादीन। नंबर 6 है, एज अ हिस्टोरिकल फिगर आई वुड लाइक टू बी, यदि आप एक हिस्टोरिकल फिगर बनेंगे तो क्या बनेंगे, इंडिया गेट। नंबर 7 है, एज अ ट्री आई वुड लाइक टू बी आ, यदि आप एक ट्री बनेंगे तो क्या बनेंगे, बैनियन ट्री। नंबर 8 है, एज अ फ्रूट आई वुड लाइक टू बी आ, यदि आप फ्रूट बनेंगे तो क्या बनना चाहेंगे, मैंगो आंसर है। नंबर 9 है, एज अ मूवी स्टार आई वुड लाइक टू बी अमिताभ बच्चन। नंबर 10 है, एज अ पॉलिटिकल फिगर आई वुड लाइक टू बी, यदि आप पॉलिटिकल फिगर बनना चाहते हैं कोई तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 है, वेयर डिड द फादर टेक हिज सन, आंसर है द फादर टुक हिज सन ऑन अ ट्रिप टू द कंट्री। नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सन लर्न ऑन हिज वे बैक फ्रॉम द विलेज, आंसर है वी यानी रिच ब्रैकेट में है, हैव अनलिमिटेड सोर्स टू एंजॉय एंड दे
यानी पुअर ब्रैकेट में हैव अ अनलिमिटेड सोर्स टू सर्व। नंबर थ्री क्वेश्चन है वेयर डू पुअर पीपल गेट देयर फूड फ्रॉम। इसका आंसर है द पुअर पीपल गेट देयर ओन फूड बाय ग्रो इट देमसेल्व्स। नंबर फोर क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन पुअर पीपल एंड देम। आंसर है दे आर सो मच वेल्दी डेट दे कैन हायर सर्वेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड वाइल द पुअर पीपल सर्व अदर्स इवन अ लो अमाउंट। बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। तब तक आप सारे वर्क को अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन लिखेंगे और लर्न करें।